नमस्कार, ये डेल्टा 6664 एक कहावत है, धान वही जो धन बरसाए। ये 6664 धान आप देख रहे होंगे कि बहुत ही यूनिक टेबल टॉप पूरे फील्ड में खड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसके कल्लों की बात करें, मेन चीज़ है कल्ले, तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो कल्लों की संख्या है जो इफेक्टिव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसमें औसत कल्लों की संख्या 18 से 20 है। इसकी जो हाइट है लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर है। अगर बाली की लंबाई की बात करें तो आप ये देख सकते हैं पेन का लेंथ है लगभग 1 फिट से ऊपर है। बाली जो है लगभग 1 फिट से ऊपर है। दूसरा, अगर इसमें बाली में दानों का भराव और लदाव देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व बन रहा है इसका मतलब है कि इसमें लंबे ठोस दाने आते हैं 6664 में। अगर बात करें तो इसका जो दाना है ये लंबा है, ये देखिए इसका लंबा दाना है। एक कंपटीटर की वैरायटी आती है तो लगभग उसके जैसा ये दाना है। दूसरा, अगर अनुमानित पैदावार की बात करें तो लगभग 22 से 24 कुंटल औसत पैदावार इसमें आने की संभावना है। एक खासियत यह है कि जो कम दिन का किसान प्रजाति चाहता है कि 115 से 20 दिन में मेरी प्रजाति पककर तैयार हो, उत्पादन अच्छा मिले, उसके लिए सबसे बेस्ट है 6664। ये RS10 उसके जैसा ये सेगमेंट है। बाली बहुत लंबी है, वजनदार है और साथ ही साथ में सबसे बड़ी संख्या है कि बाली में दानों की संख्या अधिक है। जो कंपटीटर है उसके मुकाबले इसमें दानों की संख्या ऐसा अनुमान है कि लगभग 40 दाने प्रति पेनिकल अधिक है। तो ये अभी जो मिल्किंग स्टेज चल रही है, दुग्ध की अवस्था में ये धान है। इस समय हम लोग ने अभी इसको देख रहे हैं, आगे जब इसकी मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता अवस्था आएगी, तो ये धान बहुत ही शानदार, जानदार, वजनदार ये पैदा होगा, डेल्टा 6664। तो किसानों के लिए जो बहुत दिन से तलाश थी कि एक अच्छा हमें धान का बीज मिले जो बासमती टाइप का हो, लंबा हो, RS10 या ताज टाइप का हो, तो वो उस डेल्टा 6664।